हेलो दोस्तों, माय सेल्फ डॉक्टर सुनील तंवर, कंसल्टेंट ईएनटी एंड राइनोप्लास्टी नोज सर्जन। दोस्तों, जैसा हम बात कर रहे थे पिछले दो टाइम से वीडियोस के अंदर, पीडियाट्रिक ईएनटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसी में आज आगे बढ़ के हम बात करते हैं। पीडियाट्रिक थ्रोट प्रॉब्लम, बच्चों में क्या वो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए हमें जो है उचित जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दिए गए बेल आइकॉन को एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे आने वाले अनेक उपयोगी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता है। दोस्तों, अगर पीडियाट्रिक ईएनटी में हम थ्रोट से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं, अगर हम न्यूबॉर्न से रिलेटेड अगर हम बच्चे से चलते हैं, तो न्यूबॉर्न में दोस्तों एक जो एक टेस्ट होता है जिसको हम टीएसएच टेस्ट कहते हैं, थायराइड टेस्ट कहते हैं। दोस्तों, आपको ये जान के समझ में आएगी बात कि हमारे देश में बहुत सारे बच्चे जो है जिनको मेंटली रिटार्ड होने से बचाया जा सकता था, वो थायराइड की प्रॉब्लम के कारण पीडियाट्री जो है वो हाइपोथायरायडिज्म, कंजेनाइटल हाइपोथायरायडिज्म के कारण बच्चा मेंटल रिटार्ड हो जाता है। एंड उसका बहुत सिंपल टेस्ट है, जब बच्चा न्यूबॉर्न डिलीवरी होता है उसी टाइम पे एक ब्लड सैंपल देके और उसका थायराइड टेस्ट करा लेना चाहिए। क्योंकि बहुत बार क्या है, गाँव वगैरह में अभी भी मदर को जो है डिलीवरी के टाइम या प्रेगनेंसी के टाइम पे उसको जो है उसके थायराइड की प्रॉब्लम होती है, वो थायराइड की उचित मात्रा में गोली नहीं ले पाती और वो बच्चे के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, जिससे बच्चे का मानसिक विकास नहीं होता। और सपोज करो अगर मदर का थायराइड स्टेटस ठीक है, फिर भी बहुत बार बच्चे का क्या है कि थायराइड हार्मोन की कमी के कारण उसका मानसिक विकास नहीं हो पाता, उसके गले में जो थायराइड होती है वो फुली डेवलप नहीं हो पाती और उसके कारण उसको प्रॉब्लम होती है। सो जस्ट रिमेम्बर दिस थिंग कि कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट, जैसे पिछले वीडियो में हमने बताया कि ओई टेस्ट कान की जो है वो सुनाई के लिए जन्म के टाइम पे कराना चाहिए, जिससे हम हमारे बच्चे को ये पता लगा पाए कि इसका हियरिंग स्टेटस ठीक है। ऐसे ही हमारा बच्चे के लिए एक ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, जिसको हम जो है वो, और एक सिंपल टेस्ट है, कुछ भी नहीं है, 400 रुपीज 500 का हार्डली एक टेस्ट है, जिससे हमें थायराइड स्टेटस। सो नंबर वन, हमें थ्रोट की प्रॉब्लम में एक न्यूबॉर्न का उसको थायराइड स्टेटस। दोस्तों, अगर जब बच्चा बढ़ता है उसके बाद में अगर जो कॉमन उसको जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो थ्रोट से रिलेटेड अगर हम, एक है उसको माउथ ब्रीदिंग। बहुत सारे पेरेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि सर ये जब रात को सोता है तो घर घर आवाज करता है। तो दोस्तों, कुछ पेरेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि डॉक्टर साहब इसकी जो है डेंटल स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, इसके दांत देखो बाहर आ रहे हैं, इसके फादर के दांत तो ऐसे नहीं थे, इसके पेरेंट्स के दांत तो ऐसे नहीं थे। सो दोस्तों, ये भी चीज हमें समझ लेनी चाहिए, बहुत बच्चे जो है जो माउथ ब्रीदिंग करते हैं, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि उसका क्या कारण है। दोस्तों, बच्चों में एडिनोइड और टॉन्सिलर की हाइपरट्रॉफी होती है, यानी जो हमारे गले में जो टॉन्सिल और जो एडिनोइड्स होते हैं, जो उनकी जो साइज बढ़ी हुई होती है, उसके कारण हमारे को जो है नोज से ब्रीदिंग नहीं होती, इसके कारण हमारे को जो है वो माउथ ब्रीदिंग होती है। अब दोस्तों, बसरते इसमें बात ये है कि हमें ये किस एज पे प्रॉब्लम है। अगर बच्चा 4 साल से कम है, सो देन दिस इज द नॉर्मल थिंग, हमें उसके लिए बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होना है। अगर बच्चा 4 साल से ऊपर है और सेम प्रॉब्लम है, क्या क्या प्रॉब्लम है, अगर बच्चा मुंह से सांस ले रहा है, दूसरा बच्चा सो रहा है उसकी आवाज नहीं आ रही लेकिन उस बच्चे की घर 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 इस टाइप में आवाज आ रही है, उसकी नोज की मसल्स बिल्कुल यहाँ फ्लैरिंग हो रही है, मुंह से पूरा सांस ले रहा है और थोड़ा थोड़ा बच्चा बड़ा हो गया और उसके बाद उसके डेंटल स्ट्रक्चर ऊपर का बढ़े, तो दोस्तों, या बच्चे के बार बार कान में दर्द हो रहा हो, तो दोस्तों हमें जो है तुरंत एक्टिवेट होके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। क्योंकि 4 साल बाद ये टॉन्सिल और एडिनोइड जो है वो एट्रोफिक होके खत्म हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, गुड ने ऐसा नियम बनाया है। और जिन बच्चों में ये नहीं होता और ये प्रॉब्लम प्रसिस्ट करते, क्योंकि 4 साल बाद बॉडी में उनका ज्यादा यूज नहीं है, 4 साल पहले तो उसको क्या है इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाने का काम होता है। क्योंकि ये भी बहुत सारे पेरेंट्स में मिथ है कि डॉक्टर साहब एडिनोइड और टॉन्सिल्स निकाल देंगे तो इसकी तो इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी, दोस्तों ऐसा नहीं है। गोट ने जो अपनी बॉडी बनाई है उसमें बहुत सारा काम सिस्टमेटिक बनाया है, तो जब 4 साल से पहले वो बॉडी में यूजफुल वर्क करते हैं, उसके बाद इतना यूजफुल वर्क नहीं है। तो अगर वो बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहे जब तक हमें कुछ नहीं करना, लेकिन अगर उनके कारण बच्चे को माउथ ब्रीदिंग है, नेजल ब्लॉकेज रहता है, डेफिनेटली गो फॉर ट्रीटमेंट।
उस कंडीशन में डॉक्टर के पास जब पेशेंट आता है, हमारे पास आता है, हम उसको ये देखते हैं कि कहीं एलर्जी के कारण इसमें कोई स्वेलिंग तो नहीं आ रही, तो उसका एलर्जिक मैनेजमेंट किया जाता है, मेडिसिन दिया जाता है। एंड मेडिसिन के मैनेजमेंट के बाद पेरेंट्स जब बोलते हैं सर इसको तो 90% रिलीफ है, अब इसको माउथ ब्रीदिंग नहीं है, नेजल ब्रीदिंग नॉर्मल है, देन वी विल गिव सम मिनिमम मेडिकेशन जस्ट टू प्रिवेंट रिकरेंस कि उसको बार बार वो प्रॉब्लम नहीं हो। बट सपोज कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के बाद भी उसको ये प्रॉब्लम प्रसिस्ट कर रहा है, तो दोस्तों उसका सर्जिकली मैनेजमेंट है। एंड इसमें मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इसके लिए कहीं डरने की जरूरत नहीं है। एक लेजर से एडिनोइड टॉन्सिल की सर्जरी होती है, एंटायर एंडोस्कोपी, उसमें बाहर से कोई चीर फाट टका पट्टी दर्द निशान कुछ नहीं होता, और आपको उसके लिए डरना नहीं चाहिए। हार्डली 1.5 आवर, 1.5 से 2 घंटे, 1.5 घंटे की सर्जरी होती है और दूसरे दिन बच्चे की छुट्टी हो जाती है, एंड वो लाइफ लॉन्ग बच्चे को जो है उसे प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाता है। एंड अगेन वन मिथ, बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं अरे सर ये तो वापस हो जाता है। दोस्तों ऐसा नहीं है, ये मिथ हमारे को दिमाग से निकाल देना। बहुत बार क्या है, जब टेक्निक नहीं थी, उस टेक्निक नहीं है और अच्छी टेक्निक से नहीं होता, तो जो एडिनोइड नोड्स के पीछे होता है वो पूरा नहीं निकल पाता, वो वापस नहीं होता है, रिकरेंस नहीं होता, वो रेजिडुअल होता है। इसलिए अगर आपको जहां पे आपको एडिनोइड टॉन्सिल की सर्जरी करानी है, वहां पे आप पूछ लो कि मेरे को इसको अच्छी हार्मोनिक या माइक्रोडेब्राइडर टेक्निक से कराना है लेजर से, तो वो वापस नहीं होता। सो ये है दोस्तों आपको जो है वो एडिनोइड और टॉन्सिल की प्रॉब्लम, जिसके कारण बच्चे को नोज ब्लॉक रहता है। एक प्रॉब्लम बच्चे को दोस्तों पीडियाट्रिक में और होती है, स्टैमरिंग, बच्चा तुतला के बोलता है। तो इसमें भी दोस्तों बच्चे की जो टंग है, जिसको हम जीभ चिपकी हुई बोलते हैं, टंग टाई मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं, तो जैसे यूजुअली नॉर्मल एक आदमी हमारी टंग जब बाहर निकालता है तो काफी आगे तक या हमारे नोज के टिप को भी टच कर लेता है, लाइक जैसे इतनी उसकी टंग बाहर आनी चाहिए। बहुत बार टंग जब बाहर निकालता है तो उसकी टंग पे एक गड्ढा होता है, डिप्रेशन आ जाता है। यहाँ पे क्या है कि जीभ के नीचे वो क्या है कि चिपकी हुई होती है अंदर, तो उसको हम टंग टाई बोलते हैं। दोस्तों अगर ऐसा है तो इसको भी क्या है, हमें क्या है, अगर हमें तुरंत पता लग जाता है तो चाहे 1.5 साल हो 1 साल हो, जितनी जल्दी उसको ठीक कराते हैं उसका एक सर्जरी होती है, हार्डली दैट इज द 15 मिनट सर्जरी, बट उससे हमारे टंग के मूवमेंट पूरे होते हैं और बच्चा अच्छे से बोलना स्टार्ट कर देता है। ध्यान देने योग्य बात दोस्तों ये है कि ये हमें डिले नहीं करना चाहिए। अगर टंग टाई आप 8 साल पे या 6 साल पे करा रहे हो तो उस टाइम तक वो बच्चे पे जो उसकी माइंड की लैंग्वेज चप चुकी होती है, जब उसका लर्निंग, जब उसका कच्चा दिमाग होता है, उस टाइम पे हमें एक बात कर जो है सर्जरी करानी चाहिए। सो दोस्तों आई होप दैट दिस इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द थ्रोट प्रॉब्लम टू द पीडियाट्रिक एज इज यूजफुल फॉर यू, एंड यू कैन शेयर दिस इन्फॉर्मेशन टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस टू द अदर पर्सन। हमें अकेले को इन्फॉर्मेशन नहीं करनी, हमें स्प्रेड करनी है जिससे हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट हो। एंड आपका इसके अलावा भी कोई सवाल है तो डेफिनेटली आप मेरे कमेंट बॉक्स पे डालें, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। एंड नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।